इसलिए मास्क जरूर पहने। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। चंद्रमोहन कुमार की ये रिपोर्ट है कि दोनों ही जो शख्स थे, जो आरोपी हैं, नासिर और इमरान, उनको लेकर हैदराबाद से पटना टीम में पहुंच गई हैं। एटीएस दफ्तर में फिलहाल वो दोनों हैं। कुछ ही देर में उनकी कोर्ट में पेशी होनी है, उसकी तैयारी भी कर ली गई है। कई सबूत हाथ लगे हैं, हाथ लगा है लैपटॉप, हाथ लगा है इन दोनों का मोबाइल, और उसी से अब जांच की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश हो रही है। थोड़ी ही देर बाद आतंकियों की पेशी एनआईए कोर्ट में होनी है और रिमांड पर लिया जाना है। कितने रिमांड की मांग कर सकते हैं टीम, अब ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल अब से थोड़ी देर में कोर्ट में पेशी होनी है। दोनों ही आरोपी जिनके नाम नासिर और इमरान बताए जा रहे हैं, उनको हैदराबाद से लेकर एनआईए टीम पटना पहुंची। अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब इन दोनों को एनआईए की टीम हैदराबाद से पटना लेकर आई, क्योंकि आज कोर्ट में भी पेशी होनी है। उसके बाद सीधे ये गाड़ी जाकर रुकती है एटीएस दफ्तर। इस वक्त उस दफ्तर के अंदर ही नासिर और इमरान मौजूद है। अभी और तफ्तीश चल रही है, थोड़ी देर में जानकारी मिल रही है कि कोर्ट में भी इन दोनों की पेशी होनी है। इनके लैपटॉप, इनके मोबाइल जब्त कर लिए गए थे, जो दस्तावेज हाथ लगे हैं जांच एजेंसियों को, वो भी उन्होंने अपने हाथ में लिए हैं, और ये सारे कुछ आज कोर्ट के सामने भी रखे जाएंगे। और इन्हीं के बिहाव पर, यानी इन्हीं सबूतों को दिखाकर रिमांड की डिमांड की जाएगी। वो डिमांड कितने दिन की हो सकती है उस पर नजर रहेगी। एनआईए कितने दिन की डिमांड या एटीएस कितने दिन की रिमांड करता है देखना होगा। तो फिलहाल ये दो तस्वीरें एनआईए हैदराबाद से इन दोनों आतंकी को एनआईए की टीम लेकर पटना पहुंची है, और अब से थोड़ी देर में कोर्ट में इनकी पेशी भी होनी है। बकायदा इनके बारे में तो ये भी जानकारी मिल रही कि पाकिस्तान जाकर बम बनाने की साजिश इन्होंने रची, वहां पर जाकर बम कैसे बनेगा ये पूरा समझा, और उसके बाद आकर इस घटना को अंजाम देने की नाकाम कोशिश करते दिखे। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं पटना एयरपोर्ट पर नासिर और इमरान को अभी एनआईए की टीम यहां पटना एयरपोर्ट पर लेकर पहुंची है हैदराबाद से सीधे, और इसके बाद फिर इनको यहां से भारी सुरक्षा के बीच पटना के एनआईए के स्पेशल कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जाएगा। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो ये इमरान और नासिर जो हैं उनको विशेष सुरक्षा के बीच अब एनआईए कोर्ट ले जाने की तैयारी चल रही है। पटना एयरपोर्ट से दोनों जो भाई हैं वो बाहर निकल रहे हैं। यही नासिर और इमरान हैं जिनको एनआईए की टीम यहां पटना लेकर पहुंची है, और उसके बाद फिर इनको यहां से ले जाया जा रहा है पटना एयरपोर्ट से एनआईए कोर्ट में पेशी के लिए। और इन दोनों पर दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में साजिश रचने और उसमें विस्फोटक रखने का आरोप है, जिसके बाद एनआईए की टीम पूछताछ के दौरान इनको गिरफ्तार की थी, और अभी पटना एयरपोर्ट से इनको एनआईए कोर्ट में ले जाया जा रहा है पेशी के लिए। तस्वीरों में भी साफ तौर पर आप देख सकते हैं भारी सुरक्षा के बीच जो एटीएस की टीम है, बिहार एटीएस की टीम, वो यहाँ पर तैनात हैं। सीआईएसएफ के जो एयरपोर्ट पर जवान तैनात रहते हैं वो है, बिहार पुलिस की स्पेशल टुकड़ी इसके लिए लगाया गया है ताकि किसी तरह की परेशानी और इनको यहाँ से कोर्ट ले जाने में किसी तरह की परेशानी ना पैदा हो। इस वक्त दो सहयोगी साथ हैं, चंद्रमोहन कुमार हमारे साथ मौजूद हैं और जनक दवे भी हमारे साथ हैं। चंद्रमोहन का जल्दी से रुख कर लेते हैं। चंद्रमोहन, कितनी देर में होनी है कोर्ट में पेशी? बिल्कुल, देखिए हम आपको सीधी तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पटना का एटीएस ऑफिस है जहाँ पर इमरान और नासिर दोनों को रखा गया है, और अब से थोड़ी देर बाद यहाँ से इनको एनआईए के स्पेशल कोर्ट में ले जाया जाएगा, जहाँ पर जो एनआईए की टीम है वो इन जज से रिमांड मांगेगी ताकि आगे पूछताछ में जो अहम खुलासे कई हुए हैं उसके कड़ी से कड़ी को और जोड़ा जा सके। तो तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकती हैं, और यहाँ से निकलने के बाद जब ये कोर्ट पहुँचेंगे उसके
बाद पेशी के बाद जब इनको एनआईए को रिमांड मिलेगा तो आगे भी पूछताछ होगी। जाहिर सी बात है जो दरभंगा स्टेशन पर ब्लास्ट हुआ था उसमें शुरू में जीआरपी जांच की थी और जीआरपी के बाद बिहार एटीएस के बाद जब एनआईए इस पूरे मामले की जांच शुरू की तो इनकी संलिप्तता सीधे तौर पर इस धमाके से जुड़ता हुआ नजर आया। और जो उत्तर प्रदेश के शामली में दो लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की थी उससे यह बातें सामने आई कि यही दो भाई जो हैं यह पार्सल वहां पर ले जाकर सिकंदराबाद स्टेशन पर बुक किए थे और उस पार्सल में विस्फोटक इन्हीं लोगों ने रखा था, जिसके बाद इनके घर पर पूछताछ के दौरान उसके बाद जब छापेमारी हुई तो कई अहम सबूत मिले हैं और माना जा रहा है कि जो घर से इनके आपत्तिजनक सामान बरामद हुए हैं उसमें विस्फोटक भी हैं। एनआईए सूत्र से मिली जानकारी के मुताबिक जो ट्रेन है सिकंदराबाद से चलकर दरभंगा पहुंचने वाली थी उसमें चलती ट्रेन में बर्निंग ट्रेन बनाने की कोशिश थी, बड़ी साजिश थी और इसके तार कहां कहां जुड़ते हैं उसी को खंगाला जा रहा है। चंद्रमोहन जरा रहिए साथ। पार्सल ब्लास्ट मामले में एनआईए नासिर और इमरान को गिरफ्तार कर चुकी है। ये तस्वीर जरा हम आपको नासिर की दिखा दें, जिस पर आरोप है कि दरभंगा रेलवे स्टेशन पर जो धमाका हुआ उस लिक्विड बम को बनाने वाला कोई और नहीं, यही जो तस्वीर आप देख रहे हैं यही नासिर है। न्यूज 18 के शंकर आनंद की रिपोर्ट है कि नासिर पाकिस्तान जाकर बम बनाने की ट्रेनिंग ले चुका है। नासिर उत्तर प्रदेश के शामली का रहने वाला है लेकिन उसके कई पाकिस्तानी आतंकियों से सीधा कनेक्शन है। एनआईए ने इसके पास से कई अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत भी जब्त किया है। दरभंगा धमाका मामले में एनआईए ने इमरान को गिरफ्तार किया। न्यूज 18 की शंकर आनंद की रिपोर्ट के एनआईए की जांच में पता चला कि इमरान ने ही हैदराबाद में ट्रेन में बम रखा था जिसके बाद में धमाका हुआ। इमरान भी उत्तर प्रदेश के शामली का ही रहने वाला है और हैदराबाद में काम करता है। जनक हमारे साथ मौजूद है। जनक, इन दो बड़ी गिरफ्तारियां नासिर और इमरान के तौर पर हुई लेकिन ये केवल दो ही नहीं है, तार और भी जुड़ रहे हैं, यानी इनके पीछे और भी लोग थे। कितने लोगों के नाम अभी तक सामने आए हैं, क्या उनकी भी जल्द ही गिरफ्तारी होगी या पूछताछ के लिए बुलाया गया है? देखिए, मल्टी स्टेट पूरा फंक्शनिंग हो रहा था, चाहे आप यूपी कह लीजिए, बिहार कह लीजिए या फिर आंध्र प्रदेश कह लीजिए, ये अलग अलग जगहों पर, तेलंगाना कह लीजिए, तो ये अलग अलग जगहों पर ये काम हो रहे थे। सबसे जो उसका बेस था वो यूपी में था। यूपी में सलीम और काफिल जो पिता पुत्र हैं उनको पहले जब धमाका हो उसके बाद हिरासत में लिया गया था। उनका कनेक्शन इकबाल और आसिफ खाना नाम के जो दो व्यक्ति हैं वो भी शामली के हैं और वो अभी कराची में हैं, उनसे संपर्क प्रस्थापित हुआ। और जब आगे की कड़ियां जुड़ती गई तो उसमें इमरान का नाम खुला और नासिर का नाम खुला। नासिर वही शख्स है जो लगातार तीन दफ़ा पाकिस्तान जा चुका है और इमरान और इकबाल और आसिफ से वहाँ बाकायदा ट्रेनिंग ले चुका है। ये तो इसके बाद बम बनाना ट्रेनिंग लेना था, वो इकबाल ने पूरी तरह से उसको समझाया और इकबाल ने ही समझाया कि वो वहाँ पर तेलंगाना में बैठ के, हैदराबाद में बैठ के कैसे घर पर ही ये बम बना सकते हैं। तो उसके बाद उसकी जो पूरी निगरानी थी वो इकबाल रख रहा था। एजेंसियों से बचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस का जो इस्तेमाल हो रहा था उसे कैसे बचा जाए, तो उन्होंने इंटरनेट बेस्ड जो एप्लीकेशंस हैं उसका उन्होंने इस्तेमाल शुरू किया था जिससे एजेंसियों से बचा जा सके। तो ये कुल मिला के कहें कि बहुत तरीके से बचने की कोशिश की लेकिन एनआईए के पास पुख्ता जानकारी थी और उसके बाद जब एनआईए ने उनको ट्रेस आउट किया तब जाके इमरान और नासिर दोनों की गिरफ्तारी मुमकिन हो सकी। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। दरभंगा धमाके के तार यूपी के शामली से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। न्यूज 18 के चंद्रमोहन कुमार की खबर है कि जांच एजेंसी एनआईए यूपी के शामली में कई लोगों को तलाश रही है। एनआईए की जांच में पता चला कि शामली के रहने वाले सलीम नाम के एक शख्स ने ही हैदराबाद में गिरफ्तार किए गए इमरान और नासिर को काम सौंपा था। एनआईए के मुताबिक इसके लिए सलीम को हवाला के जरिए पाकिस्तान से 1,60,000 रुपए भेजे गए थे। यही नहीं, सलीम कई बार पाकिस्तान भी जा चुका है और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। चंद्रमोहन हमारे साथ मौजूद हैं और चंद्रमोहन, देखिए ये दो आतंकी, ये जो दो आरोपी हैं नासिर और इमरान, फिलहाल ये तो पहुंच गए हैं पटना लेकिन सलीम जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उसी ने इन्हें भेजा था, उसे बकायदा पैसे भी पाकिस्तान से आए थे, उसकी गिरफ्तारी के बारे में क्या जानकारी मिल रही है?
बिल्कुल, देखिए एनआईए सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जो सलीम है उसकी गिरफ्तारी और उसे पूछताछ के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई है, क्योंकि जो ये दो भाई नसीर और इमरान जिनको अभी पटना में लाया गया है, ये दोनों भाइयों को पैसा और जो संसाधन है वो इसी सलीम ने मुहैया कराया था, और इसके लिए बाकायदा पाकिस्तान से, जो मुझे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक 1,60,000 रुपये हवाला के जरिए सलीम के पास आया था, और सलीम जो है इन दोनों भाइयों को पैसा दिया था और संसाधन इकट्ठा करने के लिए उनको पैसा उपलब्ध कराया गया था। जो पार्सल भेजा गया था उस पार्सल में जो पैसे खर्च होने थे उसके लिए 1,60,000 रुपया, और जो केमिकल और तमाम तरीके के जो सामान खरीदने थे उसके लिए ये पैसा उपलब्ध कराया गया था। और अभी जो एनआईए की टीम है उनकी तलाश में जुटी हुई है, और माना जा रहा है कि सलीम की जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी, और उसकी गिरफ्तारी के बाद कई अहम और सुराग सामने आ सकते हैं, और कौन कौन लोग इसमें ऑल इन्वॉल्व हैं और कितना बड़ा दायरा है इस पूरे नेक्सस का, इसका भी खुलासा होगा। तो एनआईए की टीम जो है वो लगातार उनकी तलाश में जुटी हुई है। तो वहीं नासिर और इमरान जिनको अभी पटना एटीएस ऑफिस में लाया गया है उनको पेशी के लिए ले जाया जाएगा, और उनको भी रिमांड पर लेकर जब एनआईए पूछताछ करेगी तो और आगे कई खुलासे। और ये जग जाहिर है कि आपको एक लालसा, एक लालच है कि सत्ता का सुख मैं भोगूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आपको नफरत भी है, लेकिन आज सवाल यह है कि देश की जनता से नफरत क्यों? ये नफरत का मोतियाबिंद जो आपको हो रखा है ये आपको सत्य से दूर क्यों कर देता है? आप सच्चाई देखना नहीं चाहते हैं या भ्रम फैलाना ही आज आपकी कांग्रेस पार्टी की अघोषित नीति है? जब ये प्रेस वार्ता हम लोग कर रहे हैं, हम सब जानते हैं कि 21 जून से वैक्सीनेशन ड्राइव में एक नई तेजी, एक नई उछाल आई, और ये कहते हुए भी हमें गर्व होता है कि भारत विश्व में आज ऐसा देश है जिसने अपने 34 करोड़ नागरिकों को सुरक्षा कवच दिया है। हम सब जानते हैं कि वैक्सीन एक इकलौता ऐसा तरीका है जिससे आप भारत की जनता को सुरक्षित कर सकते हैं। और राहुल गांधी जी, ये प्रश्न आपसे है, जुलाई आ गया वैक्सीन नहीं आई, तो जो आंकड़े हैं जुलाई की ही पहले बात कर लेते हैं। 1 जुलाई को जिसके आंकड़े आ जाए हैं, 24 घंटे में 41,60,000 वैक्सीन लगाई गई, और 21 तारीख से लेके आज तक जो डेटा सामने आया है, राहुल गांधी जी 11 दिनों का ये डेटा है, भारत में 6,85,00,000 वैक्सीन लगाई गई हैं 11 दिन की समय अवधि में, और अगर इसका औसत निकाला जाए, एवरेज निकाला जाए, तो प्रतिदिन 24 घंटे में ये 62,00,000 के आसपास होता है। तो राहुल गांधी जी, ये सवाल आपसे जरूर पूछा जाएगा, थोड़ा होमवर्क आप भी करेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, और आज आपकी ये जिम्मेदारी है कि अगर आपने एक ट्वीट किया जो बहुत ही हल्का ट्वीट था, तो आप ये जानकारी दें कि क्या विश्व में कोई और देश ऐसा है, कितने देश हैं जहां पे 24 घंटे में 62,00,000 वैक्सीन औसतन लगे हैं पिछले 11 दिन की अवधि में। और मुझे याद आता है
जब भारत में दो वैक्सीन कोविशील्ड जो भारत में बड़ी मात्रा में निर्मित हो रहा है और कोवैक्सीन स्वदेशी वैक्सीन जिसे हमारे वैज्ञानिकों ने बनाया और हर भारतीय को गर्व हुआ कि भारत वैक्सीन आविष्कार करने में और उत्पादन करने में अव्वल है, तब आपके कांग्रेस के नेता और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान को वैक्सीन पे सवाल उठा रहे थे। यह भारत को मजबूत करता है या कमजोर करता है, यह जरूर बताइए राहुल गांधी जी। शशि थरूर जी का एक ट्वीट है, शशि थरूर जी ने कोवैक्सीन के लिए कहा था, तो कोवैक्सीन हैज नॉट येट हैड फेज 3 ट्रायल्स, अप्रूवल वॉज प्री मेच्योर एंड कुड बी डेंजरस, खतरनाक है ये। जयराम रमेश ने कोवैक्सीन को फिर से घेरा और कहा कि इसे नहीं लगना चाहिए। और शर्म की बात है कि राहुल गांधी जी कोविड वायरस को आपने मोविड बुलाया। अगर हल्की राजनीति करनी होती तो बहुत से लोग कहते हैं कि इसको रोविड बुलाओ, हम भी कह सकते थे, हम भी कह सकते थे रोविड वायरस जो है भारत में बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि यह अंदर से भारत को खोखला करने का काम करता है। लेकिन श्री नरेंद्र मोदी जी इस वायरस से लड़ने का ये जो प्रयास है, ये जो युद्ध स्तर पे काम चल रहा है, इसे भाजपा और गैर भाजपा शासित राज्यों में नहीं बांटना चाहते। ऐसे भी राजनीतिक दल हैं जिनका नाम लेना भी यहां उचित नहीं होगा, क्योंकि उनकी ना इतनी योग्यता है ना उनकी ऐसी रेपुटेशन है कि उनका नाम लिया जाए। उन्होंने इसे बीजेपी का टीका बता दिया था, उन्होंने बीजेपी का टीका बताया, और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस पार्टी के हैं उन्हीं के पिताजी ने वो टीका लगवाया, क्योंकि वो जानते थे ये भारत का टीका है। क्या ये जिम्मेदारी आज विपक्ष की नहीं है कि जब वो अनर्गल आरोप लगाए, इस तरह के ओछे हल्के गंदे ट्वीट करें, तो अपने आप से जरूर पूछें कि अगर हम आज सरकार को घेरे सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें घेरना है या मोदी जी से नफरत है, तो क्या हम भारत की लड़ाई जो कोविड के खिलाफ है उसको कमजोर कर रहे हैं कि मजबूत कर रहे हैं? और मैं पुनः कहूंगा, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि पूरे विश्व में भारत आज एक ऐसा देश है जिसने पिछले 11 दिन में 6,85,00,000 टीके लगाए हैं। इनको सुरक्षा कवच कहना गलत नहीं होगा, जनता को सुरक्षा कवच अगर किसी ने दिया है तो वो केंद्र की सरकार ने अपनी कर्तव्य परायणता को दर्शाते हुए दिया है। औसतन 62,00,000 करीब करीब टीके हर दिन 24 घंटे में लगे हैं पिछले 11 दिन में। आगे वैक्सीनेशन ड्राइव में और तेजी आएगी, और यह भारत सरकार की प्रतिबद्धता है कि दिसंबर 2021 तक जो वैज्ञानिक कहते हैं उस हर नागरिक को टीका पहुंचेगा। पूरा उत्पादन जो है वो 216 करोड़ टीकों का होगा, और इससे भारत बड़ी मजबूती से सुनिश्चित करेगा कि हम कोविड को परास्त करें। एक डेटा और दे रहा हूं, शुरुआत करते हैं उस देश से जिससे बड़ा प्यार है राहुल गांधी जी को। पिछले 16 महीने में हर दिन, हर घंटे, हर सेकंड केवल और केवल भारत के नागरिकों की चिंता
श्री नरेंद्र मोदी जी, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी, सभी मंत्रियों ने नागरिकों की करी है। लेकिन इस समय में विदेश यात्रा पे भी आप गए हैं राहुल जी, और ये आंकड़ा खासकर आपके लिए है। भारत ने लगाई है 34 करोड़ डोजेज अभी तक। अमेरिका, जिसको एक विकसित देश कहते हैं, जिनके पास अपनी पर्याप्त मात्रा से ज्यादा रिसोर्सेज हैं, उन्होंने 32 करोड़ 60 लाख टीके लगाए हैं। जर्मनी ने 7 करोड़ 37 लाख टीके लगाए हैं। कनाडा ने 3 करोड़ 73 लाख टीके लगाए हैं। रूस ने 4 करोड़। इटली का बड़ा ध्यान है, चिंता है आपको, 5 करोड़ 10 लाख। ऑस्ट्रेलिया 76 लाख। जापान 4 करोड़ 50 लाख। ये आंकड़े इसलिए प्रस्तुत किए जा रहे हैं कि अगर कोई भी चर्चा करिए, आलोचना भी करिए, तो बड़ी जिम्मेदारी से करिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक राजनीतिक दल ऐसी मानसिकता कुंठित रखे कि वो भ्रमजीवी बन जाए। वैक्सीन खराब है, खतरनाक है, वायरस का नाम कोविड है, कांग्रेस शासित प्रदेश लेंगे नहीं वैक्सीन, भारत का स्ट्रेन, ये भी आविष्कार राहुल गांधी के दिमाग की उपज है, वो विदेश पहुंच गया है, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नकार दिया। और इसीलिए आईना दिखाना आवश्यक है। अब आईना दिखाते हैं कि कांग्रेस शासित राज्य क्या कर रहे हैं, किस तरह से सहयोग कर रहे हैं केंद्र सरकार का, और इस लड़ाई में किस तरह से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। बड़े ही प्रतिष्ठित अखबार की यह न्यूज है मेरे सामने, आपके समक्ष रख रहा हूं, और इसका सार क्या है वो भी रख दूं। जब आपदा आती है तो आपदा में अवसर ढूंढने का काम कोई करता है तो वो कांग्रेस पार्टी है। आपदा है, लोग चिंतित हैं, परेशान हैं, कैसे टेंडरों के दाम बढ़ा दिए जाए, मुनाफाखोरी करी जाए, जमाखोरी की जाए। राजस्थान में एक ऐसा ही मामला आया है। सेकंड वेव से जब केंद्र सरकार, भाजपा शासित राज्य, मुख्यमंत्री जो भाजपा के हैं, वो दिन रात जनता की सेवा में समर्पित थे, उस वक्त राजस्थान की सरकार ने 20,000 कॉन्सेंट्रेटर ऑक्सीजन के खरीदे, और इस प्रतिष्ठित अखबार ने 1300, एक नहीं, दो नहीं, दस नहीं, बीस नहीं, सौ नहीं, 1300 ऐसे कॉन्सेंट्रेटर को चेक किया। उन्होंने पाया कि अस्पतालों में लगाने के लिए ये जो कॉन्सेंट्रेटर लिए गए हैं, ये इस लायक भी नहीं थे। दरअसल आपको बता दें कि गौरव भाटिया क्यों आए, क्योंकि राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया और ये कहा कि जुलाई आ गई और वैक्सीन कहां है, जिस पर बीजेपी की तरफ से पलटवार किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी आप पता कीजिए कि और देशों में कितनी वैक्सीन अभी तक लगी है, क्या भारत इस मामले में बहुत पिछड़ा है, इसमें आपको देखना होगा। देश में युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को बढ़ाया जा रहा है और कुछ लोग सिर्फ राजनीति करने के लिए इस तरीके के भ्रम को फैला रहे हैं कि हमारे यहां ही वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो स्लो है, वो धीमी है। लेकिन आप जरा चेक कीजिए, ये बातें गौरव भाटिया ने कही कि चेक कीजिए कि और कितने देश हैं जहां पर अभी तक कितनी डोजे लगी हैं। उन्होंने बताया कि भारत में 34 करोड़ से ज्यादा टीके अभी लग चुके हैं और आपदा में अवसर की तलाश में कांग्रेस पार्टी रहती है और इसीलिए कांग्रेस
कहा है, जिसका जवाब देने के लिए बीजेपी के नेता गौरव भाटिया सामने आए और उन्होंने ये बातें कही। बड़ी खबर इस वक्त रायबरेली से आ रही है, जहां शायर मुनव्वर राणा के बेटे पर हमले के मामले में पुलिस ने बड़ा दावा किया है। पुलिस के मुताबिक मुनव्वर राणा के बेटे तरबेज राणा ने अपने ऊपर फायरिंग की झूठी कहानी गढ़ी। पुलिस के मुताबिक जमीन विवाद में अपने चाचा को फंसाने के लिए तबरेज ने ये साजिश रची थी। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। हालांकि मुनव्वर राणा के बेटे तरबेज की तलाश अभी जारी है और इस मामले में मुनव्वर राणा के घर रायबरेली पुलिस ने कल भी छापेमारी की थी, जिसका मुनव्वर राणा के परिवार ने विरोध किया। इसको लेकर इसने यहाँ जनपद रायबरेली के 2 लोग हलीम और सुल्तान के साथ प्लानिंग की। हलीम ने 2 शूटर्स उपलब्ध कराए, जिनका नाम सतेंद्र और शुभम है। इन दोनों शूटर्स ने इनके कहने पर इनकी गाड़ी पर फायरिंग की। पूछताछ के आधार पे, सीसीटीवी फुटेज के आधार पे, अन्य तकनीकी एविडेंस के आधार पे आज 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें ये 2 शूटर्स सतेंद्र और शुभम हैं, साथ ही में ये प्लानिंग करने वाले हलीम और सुल्तान हैं। इनके पास तो ये बड़ी खबर रायबरेली से, जहां पर शायर मुनव्वर राणा के बेटे पर हमले के मामले में पुलिस ने ये बड़ा दावा किया है। पुलिस के मुताबिक मुनव्वर राणा के बेटे तरवेज राणा ने अपने ऊपर फायरिंग की झूठी कहानी गढ़ी। पुलिस तो ये भी कह रही है कि जमीन विवाद में अपने चाचा को दरअसल फंसाने के लिए ये पूरी कहानी वो गढ़ी गई। 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज की तलाश भी अभी जारी है। मुनव्वर राणा ने इस पूरे मामले में क्या कहा, हमारे सहयोगी अजीत ने बात की है, सुनिए जरा। हमारे साथ मशहूर शायर मुनव्वर राणा साहब हैं। मुनव्वर राणा साहब के घर में कल पुलिस घुस आई बिना बताए, उनसे ही बात करते हैं। सर क्या हुआ था? देखिए, मुझे अफसोस यही हुआ कि 3-4 दिन पहले हमारे बेटे पर गोली चली, ये खबर आई, ये खबर बनी। जब मुझे मालूम हुआ तो मैं गया, फिर पहले मैं उसको ले आया यहाँ, और उसको अकेले छोड़ने का मतलब यही है, क्योंकि वो साहिब उसके पास हैं, पैसे हैं, जायदाद हैं। मुझे तो अभी एक चैनल जो है नॉनसेंस, उसने मेरे एक भाई को जो बम बनाते हुए, जो हमने ये कहा कि 70 पुलिस यहाँ भेजिए, 7 पुलिस वहाँ से भेज दीजिए, रायबरेली से पता लगा लीजिए, कि पूरा शहर ये कहता है कि सब कमाया बनाया नाम सम्मान पैसा उसी का है, ये साले उसी के पैसे पे रेप करते हैं, उसी के पैसे पे शराबें पीते हैं, अय्याशियां करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। रायबरेली पुलिस ने, एसएसपी ने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस वार्ता की है, 5 मिनट पहले, वो कह रहे हैं कि तबरेज के ऊपर जो गोली चली वो उन्होंने खुद चलवाई, आप क्या कह रहे हैं? हो सकता है, हम ये कहां बोल रहे हैं कि एसएसपी झूठ बोल रहा होगा, हम एसएसपी पे तो कोई इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। अगर मेरा बेटा गलत है तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये है कि उस पर फायर कहीं से भी हो सकता है। आज की तारीख में अगर हमें कोई भी मार दे तो शख्स यही जाएगा कि हमारे भाई जो धमकी दे रहे हैं कि 5 करोड़ निकाल के रख लिया है, इसको खानदान को जिंदा नहीं रहने देंगे, नाम मिटा देंगे। तो ये आपसी झगड़ा है आप लोगों का? आपसी झगड़ा क्या हुआ, आपसी झगड़ा भाइयों में होता है, जब वो भाई हमारे हैं ही नहीं तो हम। पुलिस ये कह रही कि जिन लोगों के नाम पर मुकदमा दर्ज किया गया है उनको फर्जी फंसाने की कोशिश आपके बेटे ने की है, आप क्या कहेंगे इस पर मसले पर? नहीं, जो पुलिस बड़ी गैरतमंद हो रही है, डायलॉग बोल रही है, तो जो मेरे खिलाफ जो उन लोगों ने नोटिसें भेजी हैं वो 7 तारीख को पेशी लगी है, जरा उनसे पूछा जाए कि एक बीमार और मरते हुए आदमी को इस तरह से खींच के मुकदमे में लाना, जिसके पास इतना सा कागज भी नहीं होगा, सब कागजात फागजात सब उन्हीं के पास होंगे। कितनी फोर्स आई थी रात में? कम से कम 60-70 लोग रहे होंगे। क्या किया? कुछ नहीं, हमारे घर को कश्मीर बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद दिए थे मुनव्वर राणा साहब, जिन्होंने कहा कि 60-70 पुलिस फोर्स के लोग आए थे, हमारे घर को कश्मीर बना दिया। उन्होंने ये भी कहा कि तबरेज पर जो गोली चली हो सकता है उसने चलवाई, मैं एसएसपी की बात को खारिज नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस तरह मुझे नोट से भेजी जा रही है, एक बीमार को, एक बुजुर्ग को भेजी जा रही है, वो कई सारे सवाल खड़े करते हैं। बिरजू अखिलेश साथ अजीत सिंह, न्यूज 18, लखनऊ। अब इससे पहले मामले में रायबरेली पुलिस कल रात लखनऊ में मुनव्वर राणा के घर पहुंची और उनके बेटे की तलाश में छापेमारी की। मुनव्वर राणा, जिनसे अभी खास बातचीत की हमारे सहयोगी अजीत ने, उन्होंने बताया कि 60-70 पुलिस वाले जो हैं वो पहुंचे वहां पर और छापेमारी करने लग गए, और दरअसल उन्होंने उनके बेटे की तलाश वहां पर की और इसीलिए टीम जो है वहां पर पहुंची थी।
बीजेपी के मनीष शुक्ला ने मुनव्वर राणा के आरोपों का जवाब दिया। एक पारिवारिक झगड़े में मुनव्वर राणा के बेटे ने अपने ही चचेरे भाई पर रायबरेली में एफआईआर दर्ज कराई थी। रायबरेली की पुलिस ने तत्परता से एफआईआर दर्ज की और जांच की। जांच के बाद मामला फर्जी निकला और उसी मामले में मुनव्वर राणा के बेटे से पूछताछ के लिए रायबरेली की पुलिस आई हुई थी। तो इतना नागवार क्यों गुजर रहा है आपको? क्या जो देश का कानून और संविधान आपको एफआईआर कराने का अधिकार देता है तो आपके भतीजों को भी निष्पक्ष जांच का अधिकार नहीं देता है? इतना दोहरापन क्यों मुनव्वर राणा जी? इस पूरे मामले में मुनव्वर राणा की बेटी ने क्या कहा, जरा ये भी सुनिए। मशहूर शायर मुनव्वर राणा के घर रायबरेली पुलिस ने देर रात छापेमारी की। आरोप है कि पुलिस बगैर पूछे घर में घुस गई उनकी बेटी फौजिया राणा। हमारे साथ है, पहले तो अपना परिचय बताइए। मैं फौजिया राणा। आप मुनव्वर राणा साहब की बेटी हो। क्या हुआ था बेसिकली रात में, पुलिस क्या कह के घर में घुसी? रात में पापा की लाइब्रेरी का ये ऑफिस का नॉक हुआ दरवाजा, मम्मा यहीं पर थी। जब खोला तो ये करीब 30-35 अंदर आ गए। पापा ने मेरे पूछा कि क्या इशू है, क्या है, तो उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं, आपसे कुछ नहीं है, क्या बात है। उन्होंने इधर घूमे उधर घूमे पूरी बिल्डिंग। उसके बाद ये मेरी हम सब की बच्चियाँ हैं और मेरी भावज ऊपर है, वो सब ऊपर थे। ये एकदम से 30-35 बड़े साइलेंट कदमों से पहुंच गए और डायरेक्ट बेडरूम तक। क्या कह रहे थे वो? वो बोल कुछ नहीं रहते, बस अंदर चलते चले। अब मेरी बेटी बेड पे लेटी हुई थी, मोबाइल देख रही थी, उसकी नजर पे, तो उसने कहा आप अंदर कैसे आए, कौन है आप? तो उन्होंने कहा कि मेरे भाई के बारे में पूछा कि कहाँ है। तो पहले तो आप बाहर निकलिए, आप लेडी कांस्टेबल लाइए, आप अंदर तक चले आए हैं। उस पर उन्होंने ऊपर धक्का मुक्की की। रायबरेली पुलिस ने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस वार्ता भी कर दी, वहाँ के जो एसएसपी हैं श्लोक, उन्होंने कहा कि ये जो गोली चलने का मामला था तबरेज पर, उन्होंने खुद ही चलवा ली अपने ऊपर। ये उनका कहना है ना, वो तो किसी को भी ला के अगर खड़ा कर देगी पुलिस। 10 मिनट पहले। अच्छा, तो वो तो किसी को भी ला के खड़ा कर देंगे। आप क्या कहेंगे, आपका क्या कहना है? देखिए ऐसा है कि उनके पास वो तो किसी को भी लाकर कुछ भी कहीं भी खड़ा कर सकती हैं। वो मेरे पापा ही का एक शेर है कि मैं दहशतगर्द था मरने पे बेटा बोल सकता है, हुकूमत के इशारे पे तो मुर्दा बोल सकता है। तो आप किसी को भी ला के खड़ा कर दीजिए और कुछ भी साबित कर दीजिए, ऐसे तो साबित नहीं होता है ना। दूसरी चीज, अगर आप आए थे लीगल प्रोसेस में आए थे, आप कागज दिखाते, उसके बाद आप कहते मुझे घर चेक करना है। ये 30-35 आदमी आप किसी गैंगस्टर के घर पे नहीं आए थे, आप एक शरीफ आदमी के घर आए थे। आप कागज दिखाते, आप कहते कि मुझे चेक करना है, भाई आप चेक कर लीजिए। लेडी पुलिस, आप 35-40 आदमी किसी के डायरेक्ट घर में चले जाते हैं, सिर्फ औरतें हो, क्या आपको लगता है कि ये लीगल हुआ है? देखिए बिल्कुल, ये फौजिया राणा है, मुनव्वर राणा साहब की बेटी। इनका सीधे तौर पर आरोप, अगर पुलिस आई तो उसे पहले नॉक करना था, उसे वारंट दिखाना था और फिर 30 से 35 लोग घर में घुसते। हालांकि पुलिस का ये आरोप है कि गोली चली, वो फर्जी तरीके से चली, किसी से चलवाई, ये पुलिस का विषय है। लेकिन इनका सीधे तौर पर कहना है कि आप किसी के घर आ रहे हैं तो आपको लीगल वे में आना चाहिए, बगैर लीगल वे में आपको नहीं आना चाहिए था, और जो इनके घर में हुआ वो ठीक नहीं हुआ। बृजेंद्र अखिलेश साताजी सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। तो फायरिंग की कहानी पर दरअसल सवाल उठ रहे हैं। 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, हथियार भी बरामद कर लिया गया है और पुलिस का कहना है कि तबरेज ने अपने ऊपर ये गोली चलवाने की बकायदा प्लानिंग की थी और खुद ये गोली चलवाई थी। जमीन विवाद से जुड़े ये पूरा मामला, आरोप चाचा पर लगाना था इसलिए अपने ऊपर गोली चलाई गई। अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी हैं। अजीत, ये जो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या इन्होंने ही तबरेज का नाम लिया? देखिए बिल्कुल, पुलिस ने जो जांच की थी, जांच में ये पता चला कि जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें खुद तबरेज ने ये गोली चलवाई थी और यही वो लोग थे जो 4 गिरफ्तार हुए हैं, जिन्होंने तबरेज के कहने पर उसके ऊपर हमला किया था। तो पुलिस की जो पूरी थ्योरी थी वो निकल कर सामने आई। एसएसपी रायबरेली जो थे उन्होंने बाकायदा बयान दिया कि इस तरह की पूरी घटना हुई। लेकिन जो परिवार का आरोप है, और पिता सीधे तौर पर वो ये कह रहे हैं कि कोई हमारा घर कश्मीर नहीं है, उनकी बेटी फौजिया राणा अभी भी हमारे साथ है। आप बताइए, जिस तरह आपके घर में पुलिस घुसी उसे किस तरह से आप कहेंगे? देखिए जो तरीका, जो रवैया उन्होंने अपनाया, पहले तो एक ऑर्डर लेटर इशू होता है, आप किसी के घर आ रहे हैं 12 बजे के बाद। वो लेटर नहीं था, मेरे फादर के पास आए, उन्होंने पूछा भी कि क्या मामला है, क्या है, इन्हें कुछ नहीं बोले। 15 मिनट तक पूरे कैंपस यहाँ से वहाँ ऊपर नीचे छानबीन चलती रही। उसके बाद
ये ऊपर पहुंचे, ऊपर हमारी बच्चियां मौजूद थी, हमारी भावज मौजूद थी, ये 35-40 आदमी सीधे जाते हैं और ड्राइंग रूम तक, वो बेडरूम तक पहुंच गए। मेरी बच्ची ने जब अंदर कैसे घुसे दरवाजा, मम्मा रात में नीचे आई थी, पापा को दवा देती हैं, पापा तो नीचे रहते हैं ना लाइब्रेरी, पापा तो पैर से माजूर हो चुके हैं, तो पापा नीचे थे, मम्मा रात में बोली कि हम एक बार जाके इनको देखाएं, तब पापा को एक बार रात में उनकी शुगर सोने से पहले चेक होती है। वारंट दिखाया था उन लोगों ने? नहीं, कुछ नहीं दिखाया था। जब ऑर्डर लेटर मांगने लगे कि ऑर्डर लेटर कहाँ है, तो बोले हमको कानून समझाएगी, हमको कानून पूछ रही है। उसके बाद आप ऊपर जब चले गए, जब आप वहां तक जाते हैं, जाने के बाद जब उन्होंने पूछा ऊपर आप चले गए, बच्चियों ने ऑब्जेक्शन किया कि आप कैसे चले आ रहे हैं, ऑर्डर कहाँ है, कोई लेटर होगा, कुछ चिट्ठी पत्री दिखाइए, तो कुछ नहीं, आप किसी के घर में बेडरूम तक चले गए विदाउट लेडी कांस्टेबल, विदाउट लेडी कांस्टेबल, ये कानून इसकी इजाजत नहीं देता। वो ये कहानी बता रहे हैं, एसएसपी रायबरेली ने कहा कि घटना ही फर्जी थी, खुद गोली तबरेज ने चलवाई उनके वो अग, ठीक है, वो तो मेरे फादर ने बहुत सालों पहले ही कह दिया था, मैं दहशतगर्द था, मरने पे बेटा बोल सकता है, हुकूमत के इशारे पे तो गूंगा मुर्दा बोल सकता है, उनके कहने से वो हम मान लेंगे कि हाँ उन्होंने ये कहा, लाइए एविडेंस दिखाइए, कहाँ पर थे वो, क्या थे। दूसरी चीज, कुछ भी था, आपके पास लेटर होता आप आते, और अगर मेरे फादर सवाल कर रहे थे कि क्या इशू आप बताते, आप धड़धड़ाते हुए तो ऐसे आए जैसे किसी गैंगस्टर को आप पकड़ने आए। आप भी घर में थे, क्या हुआ था बताइए? इसी बच्ची से उन्होंने मोबाइल जी, हम बस लेटे हुए थे बेडरूम में, सोने ही जा रहे थे, रूम सडन हमने देखा सामने मेरे इंस्पेक्टर खड़े, तो पहले तो हम चौक गए, हमने कहा आप अंदर कैसे आए, आप बाहर निकलिए। उसके बाद जब हम बाहर उठ के देखा तो 10-12 पुलिस वाले थे, हमने सबको बाहर करा पहले, तो हमने कहा आपके साथ कोई लेडी कांस्टेबल नहीं है, आप अंदर नहीं आ सकते। जब वो बाहर गए, हमने बाहर देखा पूरे फ्लोर पे पुलिस थी। उसके बाद जब नीचे से सेकंड राउंड में मुंह पर आए, हम उनकी वीडियो बना रहे थे, उन्होंने मेरे हाथ से फोन छीना, उसके बाद मेरे शोल्डर्स पे धक्का दे के हमसे कह रहे थे, लोग क्या कह रहे थे, आपने सवाल, हमने उनसे पूछा कि आप किस बेसिस पे आए, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हमने कहा कि आप किस बेसिस पे आए, किससे मिलना है आपको, किसको ढूंढ रहे, तो उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि तबरेज राणा का है। हमने कहा किस, कहने अरेस्ट करने आए, हमने कहा किस बेसिस पे, अरेस्ट वारंट है आपके पास, कहने लगे कि आपको अरेस्ट वारंट नहीं, तुझे अरेस्ट वारंट दिखाएंगे। हमने कहा जी आपको दिखाना पड़ेगा अरेस्ट वारंट, आप अरेस्ट करने आए। तो उसके बाद कोई जवाब नहीं था, नीचे आ गए, उन्होंने धक्का बक्का दे के बात करी। उसके बाद जब हम लोगों ने बोला कि लॉयर, ठीक है हमारे लॉयर आ रहे हैं, मीडिया आ रही है, तो वो लोग 10 मतलब मुश्किल से 5-10 मिनट में वापस चले गए। कितनी देर रहे वो लोग घर में? आधा घंटा मेरे ख्याल से। घर से तो मैंने बाहर कर दिया था जब तक लेडी कांस्टेबल नहीं आई थी, क्योंकि मेरे घर में मेरी नानी और मामी पर्दा करती हैं। हमने कहा आप बाहर जाइए, लेडी कांस्टेबल एक भी नहीं थी। 20 मिनट बाद एक लेडी कांस्टेबल आई, उसके बाद फिर वो रूम में आए दोबारा, उन्होंने एक बार रूम देख चुके थे पूरा घर, वो दोबारा आए, उन्होंने सब खोल खोल के चेक किया, उसके बाद वो गई है। पुलिस ने पूरे मसले का अभी खुलासा भी किया, वो कह रहे हैं 4 लोगों ने गोली चलाई, वो तबरेज ने खुद अपने ऊपर चलवा ले। आपके पास कोई एविडेंस नहीं है ना, आप पहले वो दिखाइए, हम कैसे बता सकते हैं। ठीक है अजीत, आप नजर बनाए रखिए, और देखिए पुलिस कुछ और कह रही है, परिवार का कुछ और कहना है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जो 4 लोग गिरफ्तार हुए उन्होंने ही इस बात को कबूल किया है। न्यूज 18 इंडिया की वेबसाइट ने आजतक.com को पछाड़